जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे श्री राम जी, मुझे अपने ही शरण में रखिए, क्योंकि मुझ सरीखे को सदा से आप ही अपनाते आए हैं। यह सभी जानते हैं कि तीनों लोकों और तीनों कालों में आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। हे नाथ, आर्त शरणागतों की रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कौन है? आपने ही आलसी, अभागे और पापी लोगों का पालन पोषण किया है, उन्हें पाला पोसा और प्रसन्न रखा है। तिस पर भी हे नाथ, आप उनसे कभी उऋण नहीं हुए। हे स्वामी, आप तो समर्थ हैं, पर मैं भला बुरा जैसा कुछ हूँ आपका ही हूँ। कलिकाल की चालें देखकर मेरे हृदय में बड़ी घिन्न हो रही है। यह शंका है कि कहीं यह दुष्ट आपके चरणों की ओर से मेरे मन को फेर न दे। बलिहारी, एक बार नाराजगी से अथवा राजी से मुस्कुराकर या अन्न खाकर किसी भी तरह इतना क्यों नहीं कह देते कि तुलसी तू मेरा है। इतना कह देने मात्र से ही, हे महाराज रामचंद्र जी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, उसी क्षण मेरा सारा दुख जड़ से नष्ट हो जाएगा, समस्त सुख मेरे अनुकूल हो जाएंगे। हे श्री राम जी, आपका नाम ही मेरा माता पिता, स्वजन संबंधी, प्रेमी गुरु स्वामी, मित्र और अहेतुक हितकारी हैं, और आपके नाम से जो मेरा अन्य प्रेम है वही मेरा अटल धन है। शिवजी ने 100 करोड़ चरित्र रूपी अगाध दधि सागर को मथकर उससे राम नाम रूपी घी निकाला है। आपके नाम का बल भरोसा अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों फलों का चरम फल है। कपट भाव छोड़कर इसी का स्मरण करना चाहिए, यही सर्वोत्तम यज्ञ है। आपका नाम सभी सांसारिक स्वार्थों का साधने वाला एवं परमार्थ का प्रदान करने वाला है। श्री राम नाम के समान हित करने वाला और कोई भी नहीं है, यह बात तुलसी ने स्वभाव से ही कही है। अतएव सचमुच ही इस पर सही पड़ेगी, जानकी रमण श्री राम का नाम चित्त का भी चित्त है। हे श्री राम जी, साधुओं के लिए तो आपका नाम कल्प वृक्ष है, क्योंकि स्मरण करते ही वह तीनों दैहिक, भौतिक और दैविक तापों का हरण कर लेता है और सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है, मनुष्य को पूर्ण काम बना देता है। वह आपका नाम समस्त पुण्य रूपी कमलों का सरोवर है। राम नाम का आश्रय लेने वाले को सभी पुण्यों का फल मिल जाता है। वह लाभ का भी लाभ, सुख का भी सुख और भक्तों का सर्वस्व है। उससे बढ़कर संतों का कोई लाभ, सुख या धन नहीं है। वह पतितों को पावन करने वाला, सबको डराने वाले यमदूत रूपी महाभय को भी भयभीत करने वाला, वह नीच ऊंच और राव रंग सभी के लिए सुलभ है, सभी उसका जप कर सकते हैं, सभी को सुख देने वाला है और अपने निज घर के समान आराम देने वाला है। वेदों ने, पुराणों ने, शिव जी ने भी पुकार पुकार कर कहा है कि राम नाम में प्रेम होना ही चारों अर्थ धर्म काम और मोक्ष फलों का फल है। ऐसे श्री राम नाम पर जिसके मन में प्रेम और विश्वास नहीं है, मेरी समझ में उस मनुष्य को गधा समझना चाहिए। वह गधे के समान जीवन में मनुष्यत्व के अहंकार का भार ही ढोता है। पिता माता, मित्र हितु, भाई गुरु और मौलिक, इनमें से कोई भी श्री राम नाम के समान नहीं है।
वह परम सुशील सुधाकर चंद्रमा के समान बुद्धिमान स्वामी है। शरण लेते ही समस्त ताप हर लेता है और मोक्ष रूप अमृत पान कराकर सदा के लिए सुखी कर देता है। हे दयालु, मैं बलैया लेता हूँ, इस तुलसीदास को वही महान बल दीजिए जिससे आपके नाम के साथ इस दीन का प्रेम सदा के लिए निभ जाए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।